बात करते हुए केंद्रीय अप्रवासी भारतीय मंत्री वेला रवि ने कहा है कि इस बार सम्मेलन का एजेंडा अप्रवासी युवाओं की आकांक्षाओं का ध्यान रखना है। लहर की पूरा उत्तर भारत शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। राजधानी दिल्ली के लोगों को पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा कोहरे का सामना करना पड़ा है। इसकी प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग विवादित आम चुनावों में 3/4 बहुमत हासिल करने के बाद अगली सरकार बनाने के करीब है। चुनाव के दौरान घातक